बहुत बहुत स्वागत है ब्लॉगर पूजा के चैनल में। आज मैं आपको एक चीज दिखाने वाली हूँ जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। फाइनली वो चीज मुझे मिल गया, मुझे एक गिफ्ट मिला है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या है ये। मुझे फोन मिला है वन प्लस का एंड मैं इतनी खुश थी कि मैंने पहले खोल के देख लिया एंड फिर मैं बाद में वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको कि फोन कैसा है। ये फोन और इतनी एक्साइटमेंट में गिरा रही है, इतनी ज्यादा एक्साइटेड है। यस ये फोन एंड पीछे वन प्लस एंड मुझे ये कलर काफी अच्छा लगा। एक तरह से मेरा फेवरेट भी कलर है व्हाइट एंड ये मुझे ये कलर बहुत पसंद है। लकली मुझे मिल गया। एंड निखिल फोन कैसा है? फोन तो बहुत अच्छा है और बस बहुत ये वीडियो भी बहुत यूनिक हो रहा है क्योंकि ये है व्लॉगिंग चैनल और हम लोग इसको रिव्यू टाइप का बना रहे हैं। तो खैर अनबॉक्सिंग रिव्यू तो आपके फायदे के लिए क्योंकि ये मार्केट में बहुत ही कमाल की न्यू चीज आई है और बेस्ट है, मतलब बेस्ट है। फर्स्ट चीज शायद ये, शायद जितना मुझे आइडिया है 5G वन प्लस नॉर्ड में ही आए हैं और ये वन प्लस नॉर्ड है। अब तक जितने भी मोबाइल है इंडिया में वो सारे 4G के हैं और इसके बाद ही जो भी आएंगे 5G में आएंगे। तो देखते हैं कि ये कितना सक्सेस होता है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने इसको पहले से अनबॉक्स कर लिए थे और थोड़ा बहुत देखे तो ये समझ में आया कि ये फोन बहुत ही स्मूथ चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। अब बात करें इसके मॉडल की तो इसमें है 12GB की रैम और 256GB का स्टोरेज है इसमें, स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये बहुत ज्यादा यूनिक बात है कि आजकल तो बहुत, मतलब कम लोगों के पास ऐसे लैपटॉप्स भी होते हैं जिसके पास 12GB रैम होती है। मेरा खुद का जो लैपटॉप है उसमें तो 12GB तो नहीं, उससे कम ही है, लेकिन फिर भी 12GB रैम है। इसी वजह से मोबाइल बहुत ज्यादा स्मूथ चल रहा है और 256GB का स्टोरेज, मतलब काफी कुछ इसमें स्टोर हो सकता है अच्छे खासे अमाउंट में, वीडियोस 4K क्वालिटी में, इसमें बहुत सारी फोटोज स्टोर हो सकती है। और लेकिन बस वही वाला झंझट इसमें फिर से कि इसमें हेडफोन लग ही नहीं सकता। 3.5mm का जैक इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें टाइप सी का ही है तो इसमें एक अकेला स्पेशल इसका जो हेडफोन आएगा वही लग सकता है। तो ये चीज थोड़ा सा खर्चा बढ़ा सकती है। कई बार जो हमारे हेडफोन खराब हो जाते हैं और हम नॉर्मल हेडफोन का यूज करने का भी सोचते हैं कभी, तो वो हम ऐसे फोन्स में नहीं कर पाते हैं। तो फिर इनके फोन्स लेने जाओ, इनके हेडफोन्स लेने जाओ तो काफी महंगे पड़ते हैं। तो यही चीज आईफोन में भी। लेकिन हाँ, मैं कंपेयर करूंगा, बहुत सारे लोग जो है मार्केट में कंपेयर करते हैं iOS वर्सेस एंड्रॉइड, तो बहुत सारी जगहों पर आईफोन का जो iOS है वो एंड्रॉइड से मार खा जाता है। और बस जो लोग एप्पल खरीदते हैं, आईफोन खरीदते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी ब्रांडिंग और नाम की वजह से ही खरीदते हैं। उस ब्रांडिंग के ही लोगों को 1-1 लाख रुपए देने पड़ते हैं। जो स्पेसिफिकेशन है इस मोबाइल में वो आप आईफोन में लेने जाएंगे, आईफोन 11 में, तो वो आपको 1 लाख से ऊपर का ही मिलेगा। तो मतलब 1 लाख का मोबाइल उधर और 30,000 का मोबाइल इधर, और चीज बिल्कुल दिखने में दोनों क्लासी है, मतलब दिखने में बहुत ही अच्छे दोनों फोन है। तो मेरे ख्याल से फिर किसी भी पर्सन को वन प्लस के लिए ही जाना चाहिए क्योंकि अब डिपेंड करता है कि इसकी स्पीड कैसी होगी। तो बेशक इसकी स्पीड बहुत अच्छी होगी, 12GB की रैम है, 4 कैमरे दिए हुए हैं, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, फ्रंट से भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो ये चीज आईफोन 10 में नहीं मिलती है। आईफोन 10R में आपको फ्रंट कैमरे से 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, इसमें है। तो यहाँ पे भी वन प्लस जीत जाता है। तो बेशक मोबाइल तो बहुत अच्छा है और साथ में कवर भी मिला है, कवर बहुत सिंपल सा कवर है, ट्रांसपेरेंट वाला, जिसको हम ज्यादा दिन तो यूज नहीं कर सकते लेकिन ठीक है, काफी समय तक यूज कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे कवर्स में प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो है ये येल्लोइश हो जाते हैं कवर, पता नहीं क्यों येल्लोइश होते, तो इसकी वजह से गंदा दिखने लगता है। तो ऐसा फोन जब इतना क्लासी और स्टाइलिश फोन है तो ऐसे फोन्स के लिए हमें बिल्कुल सिंपल वाले ट्रांसपेरेंट कवर से यूज करने चाहिए, जो पीछे फाइबर ग्लास कहते हैं। मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे मैं आपको अपने मोबाइल में दिखाता हूँ, मैंने अपने मोबाइल में रिसेंट में लिया हूँ। तो ये देखिए कैसा एकदम सिंपल सा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाला फाइबर है, तो कभी मोबाइल गिर भी जाता है तो सेफ रहता है। तो ऐसे मोबाइल्स में इस तरह के ही कवर यूज करने चाहिए। तो अभी पूजा तुम आगे बात कंटिन्यू करो अपने ऑडियंस के साथ। ओके, ये फोन मुझे काफी अच्छा लगा है एंड देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। मैं इसे यूज करूंगी एंड काफी अच्छे से यूज करूंगी क्योंकि इसको मैं जल्दी बर्बाद नहीं करूंगी। वैसे मैं बहुत कम फोन बर्बाद करती हूँ आज तक 2013 से लेकर आज तक 13
2013 से लेके आज तक मैंने सिर्फ 3 फोन ही यूज किया है। मेरा काफी लंबा फोन चलता है, आई होप ये भी चले। चला नहीं, ऐसा लगता है मुझे कि मैं 10-15 साल तो चला ही लूंगी और मैं 2 साल नहीं चला सकती हूँ फोन, ये 10-15 साल की बात कर रही है। मेरा पहला फोन माँ की तरफ से मिला था 2013 में, तो वो फोन चला, साल डेढ़ साल चला। एक्चुअली वो काफी चलता बट वो कीपैड वाला था, मैंने किसी से एक्सचेंज कर लिया था। एंड उसके बाद सेकेंड फोन मुझे पापा जी की तरफ से मिला मेरे बर्थडे पे। आज मतलब ये वाला जो बर्थडे आएगा ना, 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे उस फोन को। वो भी फोन पास में ही है, या ये रहा वो फोन, सैमसंग का है, ये काफी अच्छा है। बट मुझे इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेरे उस फोन में स्पेस नहीं था और मुझे वीडियो वगैरह बनाने थे, तो मुझे इस फोन की जरूरत थी। एंड ये फोन मुझे गिफ्ट किया है बहुत सारे लोगों ने मिलके। सबसे पहले थैंक यू जिया, तूने दी है। एक इंसान भी दे सकता था लेकिन हम लोगों ने प्लानिंग किया कि सब लोग इसको मिलके गिफ्ट देंगे, सरप्राइज देंगे। इसको पता भी नहीं था, इसको नहीं पता था कि इसके लिए फोन आ रहा है कुछ भी। आज सुबह जब इसके हाथ में आया बहुत ज्यादा खुश थी, मतलब वो रिएक्शन शूट नहीं कर पाए क्योंकि सो के उठे थे, ऐसी हालत थी बिल्कुल। और फोन कॉल आया कि आपका फोन आ गया पार्सल, बोल रहे क्या हुआ क्या हुआ, कहाँ जा रही है? मैंने बोला कहीं नहीं, अभी आती हूँ मैं। मैंने बोली इसको ही लेके जाती हूँ, फिर साथ में लेके गई और फिर दोनों साथ में लेके आए। बहुत ज्यादा खुश हुई फोन को देख के, बहुत एक्साइटेड है सुबह से, इसलिए ज्यादा बोल भी नहीं पा रही है। थैंक यू जिया, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, एंड थैंक यू पापा जी, एंड जिसने फोन ऑर्डर किया है मेरे लिए, एक थैंक यू उसके लिए भी बनता है। थैंक यू आसू, एंड फोन मुझे काफी अच्छा लगा है सच्ची में, थैंक यू। एंड और इतनी ज्यादा एक्साइटेड इससे मेरे वर्ड्स खत्म हो गए, आज नहीं बोल पाई। मैं दिल से सबको थैंक यू बोल रही हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 2000 years later बात किया मम्मी से और जब सबको पता चला, बोल रहे कि नहीं नहीं उसको बहुत टाइम से कुछ अच्छा हमको भी देना था तो हम लोग मिलके गिफ्ट करेंगे। मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो कर लेते हैं, वरना एक भी बंदा कर सकता। ये सेम आसू की तरह चार्जर है, सेम ऐसा लग रहा है जैसे आसू ने चार्जर भेज दिया है पुराना वाला मुझे। अच्छा, उसने पार्सल में मतलब उसने बोला वो पार्सल वाले आओ घर पे आओ, मैं तुम्हें अपना पुराना चार्जर देता हूँ, फिर ठूसा इसमें और फिर से दुकान वाला को दिया पैक करने के लिए, फिर उन्होंने पैक किया और फिर से पार्सल वाले पैक करवाया, फिर से ले जाकर मॉल में जो भी दुकान पे, उसके बाद फिर से भेजा। इतना मेहनत किया बाप रे। साथ में आसू ने इसकी बात ना सुना, बस बस बात खत्म। साथ में आसू ने मुझे लव लेटर भी भेजा है, उसने ऑर्डर किया है, सारे प्रोसेस है। थैंक यू आसू फॉर लव लेटर एंड चार्जर, पुराना चार्जर। नहीं नहीं इसका खत्म नहीं होगा, आप लोग छोड़ो इसका खत्म नहीं होगा आज। ये पागल हो गई है फोन के नाम पे, इसलिए कुछ भी बकवास करती रहेगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करने में ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ निखिल क्या बोल रहे हो? इसकी हरकतों से नहीं लग रहा है पागल हो गई है। एक चीज और है, हम लोग आज मार्केट जाएंगे एंड उसको क्या बोलते हैं, ट्राइपॉड बोल रहे हैं, ट्राइपॉड जाएंगे देखने के लिए, क्योंकि एंड थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी शूट करने में, कभी चैलेंज वगैरह किया तो उसके लिए हम जा रहे हैं मार्केट में देखने के लिए, अगर मिला तो हम उसे भी लेके आएंगे। हाँ इसका बकवास खत्म नहीं होगा, चलो ऑडियंस बाय बाय, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जाने से पहले बेल आइकन को दबा देना, ऑल पे क्लिक करना ताकि जो भी वीडियो डाले बकवास वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। ओके चलो बाय बाय, बकवास तो कर रही है, चलो बाय बाय। नहीं बकवास नहीं करता, चलो फोन रख रखो, चलो वीडियो कट करो, वीडियो कट करो।